जनजातीय गौरव दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा नमन, लिखा कि मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। मुंबई रैली में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा चैलेंज, कहा कि राहुल के मुंह से बाल ठाकरे की तारीफ करवाएं, उद्धव का पलटवार, पहले मोदी खुद करे तारीफ। मुंबई की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला, कहा कि अघाड़ी की सोच तुष्टिकरण की गुलाम हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि अघाड़ी के नेता राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं और वीर सावरकर का अपमान करते हैं, ये 370 हटाने का विरोध करते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने और विकास में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस का मिजाज देश को पीछे धकेलने का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने का भी आरोप लगाया, लोगों ने इनसे सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर में संतों से मुलाकात की, महंत सुभद्रा अताया, महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज और उपाध्याय श्री कृषि प्रवीण से मुलाकात। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस्कॉन की तरफ से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, कृष्ण भक्तों के साथ मंजीरा बजाते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे हैं, मतलब ये लोग घबरा रहे हैं। नासिक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया चुनाव प्रचार, महाविकास अघाड़ी सरकार बनने का दावा किया। सीएम योगी के बांटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बोले देवेंद्र फडणवीस, इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, जब जब देश जातियों प्रांतों समुदायों में बटा तब तब ये देश गुलाम हुआ। मायावती का मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर फडणवीस बोले महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे, तीनों पार्टियां मिलकर सीएम की चेहरे को तय करेगी। उद्धव ठाकरे को लेकर बोले फडणवीस महायुति के दरवाजे उद्धव के लिए हमेशा के लिए बंद है, महायुति को उनकी जरूरत नहीं है, जनता इस बार हमें बहुमत देगी। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, इनके चुंगल में आने वाले नहीं है। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा के सीएम का बैग चेक किया, महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। औरंगाबाद की रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सपा और निर्दलीय उम्मीदवारों पर हमला, कहा कि इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। झारखंड का स्थापना दिवस आज पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी बधाई, बोले कि प्रार्थना है कि झारखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। झारखंड में बोले गृहमंत्री अमित शाह पहले चरण के बाद जेएमएम का सुपड़ा साफ, बीजेपी की बन रही है सरकार। जेएमएम सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार में मिलाया, गिरिडीह में गृहमंत्री अमित शाह का अटैक। झारखंड में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, कहा कि आपको लड़कर बटना नहीं है बल्कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी का जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप, रोहिंग्या और घुसपैठियों को झारखंड में घुसने और जमीन हड़पने में मदद कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित, नए भारत के सामने पाकिस्तान कांप रहा है, सीएम योगी का बयान। घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने वाले बयान पर बवाल, पीएम मोदी बोले वोट की खातिर कांग्रेस आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुलाम अहमद मीर पर अटैक, कहा कि घुसपैठियों की मदद करने वाले पार्टी है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान का दावा झारखंड में पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी की दो तिहाई बहुमत से बन रही है सरकार। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, झारखंड से भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। नरेश मीना की जेल की तस्वीर आई सामने, लॉकअप में जमीन पर सोता नजर आया, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, आज भी कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार पहुंचा एक्यूआई, ओखला में 222, पटपड़गंज में 239 और पंजाबी बाग में 443 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका में भी एक्यूआई 400 के पार, वजीरपुर में 467, विवेक विहार में 470 और नजफगढ़ में 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज। अलीपुर, चांदनी चौक और उरारी में एक्यूआई 350 के पार, आईटीओ में 358, लोधी रोड पर 314, मथुरा रोड पर 399 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के एम्स इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, आसमान में छाई धुंध, सांस लेना हुआ बेहाल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बड़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, पूरे इलाके में स्मॉग की चादर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, पूरे इलाके में विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप में। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, ताजमहल हुआ गायब, पूरे इलाके में स्मॉग। अयोध्या में प्रदूषण बढ़ा, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे शहर में छाई धुंध की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली, लोगों को सांस लेने में परेशानी। पंजाब के लुधियाना में बड़ा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में भी बड़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत।
एमपी के इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, बिवाली इलाके में सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। हैदराबाद में टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, फेक सर्टिफिकेट के साथ 6 लोग गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रतियोगी परीक्षा में करा रहे थे चीटिंग, कैश मोबाइल सहित कई कागजात बरामद। एमपी के उज्जैन में प्राइवेट अस्पताल का बॉयलर फटा, हादसे में 2 की मौत, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आए। यूपी के नोएडा में मीट की दुकान पर चाकू मारकर एक शख्स की हत्या, मामूली कहासुनी पर मारा गया चाकू, पुलिस ने आरोपी को ढूंढा। इम्फाल में किसानों पर हमले के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा, खेतों में बढ़ाया गया पहरा, खेत करने वाले लोगों को इलाके में सुरक्षित रखने के लिए पुलिस कर रही है निगरानी। इम्फाल में छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन, फूकी उग्रवादियों के द्वारा अगवा किए गए 6 लोगों को जल्द रिहा करने की मांग। यूपी के गाजियाबाद में दुकानदार पर की गई फायरिंग, अज्ञात हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की, दुकानदार के मुताबिक लाखों का कैश आगे मिला। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर घटना की जानकारी दी गई, बदमाश 2 बाइक छोड़कर भागे, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। पटना से सटे दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर चिपकाया गया नोटिस, पुलिस ने विधायक के भाई आरोपी पिंकू यादव को भगोड़ा घोषित किया। दिल्ली में वाई द हेक नॉट नामक पुस्तक का विमोचन, केपी सिंह के डीएलएफ को शुरुआत करने से लेकर कामयाबी तक के सफर को बताया गया। केपी सिंह और अपर्णा जैन ने मिलकर किताब लिखी है, अपने जन्मदिन के मौके पर केपी सिंह ने किताब को लॉन्च किया, अपनी जिंदगी के संघर्ष को याद किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने भीड़ की, गंगा नदी में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। जबलपुर में नर्मदा नदी में भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के दीघा घाट पर भी उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर देवघर पहुंचे, बाबा वैद्यनाथ जाकर आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के शिवा हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी में देव दीपावली की धूम, राजघाट पुल और नमो घाट को लाइट से सजाया गया। हरिद्वार में देव दीपावली पर जगमग हुए घाट, हर की पैड़ी पर हजारों की तादाद में दिए जलाते नजर आए भक्त। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व, भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। भारत दक्षिण अफ्रीका बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज जोहान्सबर्ग के द वंडर स्टेडियम में होगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। जोहान्सबर्ग में भारतीय टीम का बेहतरीन रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पर 4 मैच खेले गए जिसमें 3 में मिली है जीत, 1 मैच हारी है। सेंचुरियन में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा का बयान, इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाकर मुझे खुशी है, बड़ी पारी खेलने के लिए सही वक्त का था इंतजार। तिलक वर्मा ने शतक के बाद किया था आसमान की तरफ इशारा, इंटरव्यू में खुला राज कहा कि शतक के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजने वाले, लेकिन तिलक ने खुद मांगा था नंबर 3 का स्लॉट। सेंचुरियन में तिलक ने खेली थी 107 रन की पारी। भारत के मौजूदा फॉर्म पर संजय मांजरेकर ने जताई चिंता, कहा कि पर्थ टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच खेलने की सख्त जरूरत है। संजय मांजरेकर ने कहा कि प्रैक्टिस मैच से टीम इंडिया का बढ़ेगा हौसला, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया अटैक से रहना होगा सावधान। रणजी ट्रॉफी में गोवा के बल्लेबाज ने सबसे बड़ी साझेदारी कर बनाया रिकॉर्ड, स्नेहल कॉन्फर और कश्यप बाकले ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लगाया नाबाद 13 शतक। स्नेहल कॉन्थकर ने नाबाद 300 रन बनाए, कश्यप बाकले ने 314 रन की पारी खेली, नॉट आउट रहे। दोनों बल्लेबाजों ने 606 रन की रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी बनाई। रणजी ट्रॉफी के एलीट राउंड में राजस्थान के बल्लेबाज महिपाल लोमरोर का कोहराम, उत्तराखंड के खिलाफ फर्स्ट क्लास करियर का पहला 13 शतक। उत्तराखंड के खिलाफ महिपाल लोमरोर ने कार्तिक शर्मा के साथ निभाई शतकीय साझेदारी, कार्तिक शर्मा ने 113 रन बनाए, पारी के दौरान कार्तिक ने 11 चौके और 6 छक्के भी जड़े। रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी का शानदार कमबैक, मध्य प्रदेश के खिलाफ शमी ने हासिल किए 4 विकेट, वेंकटेश अय्यर कुमार कार्तिक का विकेट छटका। ब्रिस्बेन T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया 1-0 से बनाई बढ़त, बारिश की वजह से पहला T20 मैच 7-7 ओवर में खेला गया। नेपाल प्रीमियर लीग में खेलेंगे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, सीजन 1 में देखेगा गब्बर के बल्ले का दम, NPL में कर्नाली याक्स की तरफ से खेलेंगे धवन।